हमने क्या प्लान किया था आज के लिए। अच्छा उससे पहले तो ये बताओ कि तुम लोग जितने लोग बैठे हुए हो, मैंने असाइनमेंट दिया था कि वेदर ऐप बनानी है, बना के गिटहब में पुश करनी है और पब्लिश करनी है। कितने लोगों से पब्लिश हो गई? और बाकी लोग पब्लिश क्यों नहीं किया? पब्लिश करना अच्छा, तो अभी वो रिव्यू इन प्रोसेस है। अच्छा और बाकी लोग भाई जो इन, चलो इन दो तीन लोगों ने तो कहा कि हमने सबमिशन कर दी, अभी अप्रूव कर रहे हैं, बाकी लोगों ने कुछ भी नहीं किया? एरर क्या आ रहा है मुझसे पूछते हैं ना, कब आया एरर? अभी भी आ रहा है। अच्छा तुमने जो वो बोला था कि फाइल का एक्सेस वाले इशू, पूछ लिया करो ना, कोई भी आ रहा है ग्रुप में पूछ लिया करो, इतने सारे लोग कर रहे हैं कोई ना कोई जवाब देगा। सही है, बताओ वैसे बताओ वर्बली क्या एरर आ रहा है? हाँ शेयर करो अपनी स्क्रीन, शेयर करो जूम करो, जूम पे कनेक्ट हो ना तुम, एयर पे जाओ, वहां लिंक शेयर किया हुआ मैंने जूम का, जूम पे कनेक्ट कर दो और अपनी स्क्रीन शेयर करो। ये इसको क्या हुआ, एक दफा भी स्क्रीन आई है यहाँ पर? छोड़ो यार प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, सारे लोग जूम पे ही कनेक्ट हो जाओ। जी दोस्त रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है? हाँ मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, वो मेरे पास लोकली सेव हो रही है, वो शेयर नहीं करूंगा मैं, बट जस्ट ऐसे ही कर रहा हूँ, सोचूंगा मैं इस रिकॉर्डिंग का क्या करना। नहीं अभी आप लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑन साइट क्लास है, तो रिकॉर्डिंग देने का मतलब है कि फिर यहाँ जो आते हैं वो भी नहीं आएंगे। सही है, तो आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, बट मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सोचूंगा इसका मैं क्या इसका बेस्ट पर्पस हो सकता है, मे बी इसमें से मैं छोटी छोटी क्लिप्स बना के फेसबुक पर शेयर करूँ मे बी। ठीक है करो स्क्रीन शेयर आ रहा है? हाँ ये लो इनेबल कर दिया, अब करो अच्छा जी, ये इनके पास एक इशू आ रहा है, ये जरा बता रहे हैं रिप्रोड्यूस करके कि क्या इशू है, वो करो भाई। सही है तुमने, रीप्रॉम्प्ट ही नहीं भेजा ना, कोड दिखाओ मुझे अपना, रीप्रॉम्प्ट नहीं भेजा था तुमने, सीधा सीधा समझ आ रहा है। वीपीएन इंस्टॉल किया? ये तो सीधा सीधा समझ आ रहा है, कोड में तुमने रीप्रॉम्प्ट नहीं भेजा था, इस वजह से ये इशू हुआ। अच्छा फिर भी नहीं मिल रहा, इंटेंट एक दफा भी हिट हो ही नहीं रहा, अब इसका क्या करना है? अभी
ये तो कुछ और ही शो हो गया। हाँ कोर्ट में ही रहो, कोर्ट में ही रहो। इस पे क्लिक करो, index.js पे डबल क्लिक करो, इस पे नहीं साइड वाले पे, यहाँ पे रीप्रॉम्प्ट दिखाओ क्या भेजा। सही है, अब इंटेंट में चले जाओ, इंटेंट में क्या आ रहा है। डिप्लॉय किया है ना ये कोड, लास्ट डिप्लॉय 8 दिसंबर, आज 15 दिसंबर है। ये तो कह रहा है डिप्लॉय का बटन एक दफा दबाओ, अभी दबा दो, एक दफा दबाने में क्या है, ये 7 दिन पहले डिप्लॉय का बटन इसके प्रेस हुआ है। आज 15 है, 7 दिन हो गए। डिप्लॉय फेल हो रहा है ना, कोड हैज फेल्ड डिप्लॉयमेंट, फेल हो रहा है, कहीं ना कहीं एरर होगा कोड में जब भी फेल हो रहा है। कोड पूरा नीचे तक स्क्रॉल करो, कहीं पे कोई एरर तो नहीं शो कर रही। नहीं की का तो मसला ही नहीं है ना, ये की का मसला नहीं है, तुम्हारा फंक्शन डिप्लॉय नहीं हो रहा। डिप्लॉय का बटन प्रेस करो एक दफा और, नहीं अभी डिप्लॉय तो चल रहा है इसका, देखना क्या रिस्पॉन्स क्या आ रहा है इसका। तो प्रॉब्लम यही है कि तुम्हारा फंक्शन डिप्लॉय नहीं हो रहा, और कोई इशू नहीं है, वो फंक्शन पुराना डिप्लॉय हुआ है जिसमें क्या नहीं है, रीप्रॉम्प्ट नहीं लगा। इस फंक्शन में तलाश करो कि कहां पे प्रॉब्लम है और इस फंक्शन को डिप्लॉय करो, ये डिप्लॉय होने के बाद भी अगर ये इशू आया तो फिर बताना।
और अगर बिल्कुल ही फंस जाओ, बिल्कुल ही डिप्लॉय ना हो, समझ ही ना आ रहा हो कि क्या प्रॉब्लम है, तो एक नई स्किल बना के एज इट इज ये फंक्शन उठा के वहां पर डिप्लॉय करना, फिर देखना मे भी हो सकता है कि इस फंक्शन की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ हेड दियो तुमने किसी जगह से। जी मे भी एपीआई एपीआई अलग से जरा हिट करो, एपीआई अलग से हिट करना जरा। लगाओ जरा सिटी नेम पे कराची, सही है एपीआई सही है। फंक्शन डिप्लॉय नहीं हुआ वो तुम्हारा, और कोई इशू नहीं। अच्छा तो भाइयों बुक पढ़ते हैं आज। अच्छा जी, हम कहाँ तक पढ़ चुके थे बुक? चैप्टर नंबर 3 में ना, हम 4 मैक्सिम्स तक पढ़ चुके थे, मैनर तक हमने कवर कर लिया था, ठीक है। और हम ये पढ़ लेते हैं वैरायटी प्लानिंग। अच्छा, इस प्लानिंग वाले पैराग्राफ में ना ये बहुत ही ऑब्वियस बात बताना चाह रहा है, जो कि किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे वो वॉइस एप्लीकेशन हो चाहे वेब एप्लीकेशन हो, बहुत वाइटल है। वो कह रहे हैं कि जब भी आपको जहन में आए ना ख्याल कि करना क्या है, बनाना क्या है, तो कह रहे हैं उसको आप लिख लें। जितने भी डायलॉग्स है ना जो बोले जाएंगे उस ऐप में, वो आप लिख लें सारा। वेब एप्लीकेशन में आप क्या करते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन में, कि जितनी भी स्क्रीन्स होती है वो बना लेते हैं। तो इसमें क्या करना होता है आपको, कि जो जो डायलॉग उसमें होने वाले हैं आपकी ऐप में, उसको आप एक दफा लिख लेते हैं पहले ही, ठीक है। इंटेंट कौन कौन से होंगे वो लिख लें सारे। तो वो ये बताना चाह रहे हैं, कंपैरिजन करवा रहा है कि जो वेब एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप होती है उसमें क्या होता है, वायर फ्रेम्स बनाते हैं। तो इसमें वायर फ्रेम जैसा कुछ नहीं है, इसमें आपको डायलॉग्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर आप क्या करें, वो जो डायलॉग है ना, दूसरे बंदे के साथ आप कंप्यूटर प्ले करें, ठीक है। दूसरे बंदे के साथ आप कंप्यूटर प्ले करें, मिसाल के तौर पर आप एलेक्सा बन जाए और सामने बंदे को बिठा दें, उसको बनाते हैं आप यूजर, ठीक है। आपको मिसाल के तौर पर पिज्जा ऑर्डर की ऐप बनाना चाह रहे हैं आप, कहें भाई शुरू हो जाओ। तो अब वो बंदा जो बोलेगा ना, वो और आप अलेक्सा बने हुए, आप रिप्लाई करेंगे उसको। तो कह रहे हैं ये एक्टिविटी करें आप, और इस तरह से आप डिस्कवर करें कि यूजर क्या बोल सकता है और उसको क्या रिस्पांस देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए, मतलब रियल आप उसको कर पाएंगे, समझ पाएंगे। वो इसने प्लानिंग में कवर कर दिया कि इस तरह से प्लान करना है आपको। अच्छा, वेराइटी voice application should always complete the same action or give the same information every request, but packaging doesn't need to be the same every time. कह रहे हैं कि भाई आप Google पे सर्च करते हैं, Google पे सर्च करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है। मैं जितनी दफा कार लिखूंगा कार के रिजल्ट आ जाएंगे, सेम ही आएंगे ऑफकोर्स। अगर मैं फॉरन फॉरन लिख रहा हूँ तो चेंज नहीं होता इतनी जल्दी में। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई बंदा वेदर पूछ रहा है, वेदर पूछ रहा है अलेक्सा से, तो उसको भी हर दफा क्या करना है, सेम डेटा देना है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी लो हाई, चार चीज मिसाल के तौर पर देनी है। कह रहे हैं लेकिन इस केस में ना आपके पास क्या है, जरूरी नहीं है कि हर दफा आप एक ही अंदाज से उस बात को बोलें। अच्छा, ऑन अदर हैंड वेब एप्लीकेशन जो होती है उसके अंदर एक चीज होती है UI कंसिस्टेंसी, कि आप जब एक बटन को प्रेस करें तो जो UI पे बिहेवियर है वो सेम होना चाहिए हर दफा, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं UI, क्या मैंने वर्ड यूज किया, कंसिस्टेंसी। तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंट UI। मिसाल के तौर पे जब भी एरर, जैसे आपने अलेक्सा पे जब डिप्लॉय करते हैं तो अलर्ट हमेशा एक ही जगह से निकलता है, मैसेज अलग अलग होता है लेकिन निकलता बिल्कुल एक ही जगह से, एरर हो तो भी वहीं से निकलता है वो, लेकिन थोड़ा रेड होता है।
तो ये डिजाइन कंसिस्टेंसी में आती है चीजें, वेब एप्लीकेशन के हवाले से या मोबाइल एप्लीकेशन में। आप मोबाइल एप्लीकेशन जब एक इस्तेमाल करेंगे, फेसबुक की जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, तो उसमें कोई अगर चीज हो रही है ना, तो वो हर दफा एक ही तरह से होगी। मिसाल के तौर पर फेसबुक स्क्रॉल करते करते अगर किसी का मैसेज आया, तो वो हर दफा एक ही तरह से निकल कर आएगा, अलग अलग नहीं होगा, तो वो कंसिस्टेंट रहता है। उसमें जरूरी है ये, उसमें जरूरी इस वजह से कि बंदे को ना बगैर देखे ही एक क्या उसको कहते हैं, एक मसल मेमोरी डेवलप कर दी जाती है कि वो उस आने के अंदाज से ही उसको पता चल जाता है कि ये क्या है। ठीक है, पढ़े बगैर ही उसको पता चल जाता है ये क्या है। इसी तरीके से जो साउंड होता है, वो भी हर चीज का साउंड अलग होता है। जब आप लाइक प्रेस करते हैं ना, उसका एक खास साउंड निकालता है फेसबुक, फेसबुक की मोबाइल ऐप हो या फेसबुक का वेब एप्लीकेशन, में खास किस्म का साउंड निकालता है। उससे आपको पता चलता है कि लाइव हो गया, उसको फीडबैक भी कहते हैं। तो ये इस तरह की चीजें ना, उसके अंदर कंसिस्टेंट रखनी पड़ती है। जैसे आप किसी को मैसेज करते हैं जब फेसबुक मैसेंजर पे, तो मैसेज सेंड होने का एक साउंड अलग होता है, सीन हो जाता है जब वहां पे, तो उसका साउंड अलग होता है, और जब मैसेज आता है तो उसका साउंड, ये तीन अलग अलग साउंड देता है। आपको फील नहीं होता, आप बातें करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में उस साउंड का बहुत बड़ा रोल होता है, वो फौरन फौरन फीडबैक देता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर आपने मैसेज सेंड किया और नेटवर्क चला गया, तो वो सेंड होने वाला साउंड या सीन वाला साउंड नहीं आएगा, तो थोड़ी देर तक वो साउंड नहीं आएगा, आप कहेंगे अच्छा यार ये शायद सेंड नहीं हुआ। ठीक है, होता है इस तरह, तो काफी उसका रोल रहता है, वो भी कंसिस्टेंट रखना पड़ता है। व्हाट्सएप पे भी इसी तरह, जब आप मैसेज सेंड करते हैं तो पुड़क करके एक आवाज निकालता है, वो खास किस्म का साउंड है। ठीक है, तो उससे आपको पता चलता है कि अच्छा मैसेज सेंड हो गया। और अगर हैंड वॉइस एप्लीकेशन में ना, क्योंकि बातें हो रही हैं, क्योंकि क्या हो रही है, बातें हो रही हैं, और बातें करने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है इंसानों का। अच्छा, यही वजह है कि आप जब एक जुबान को काफी अरसे तक इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप इतने फ्लुएंट हो जाते हैं उसके अंदर कि आप बहुत सारी चीजों का शॉर्टकट बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर गोरा कभी ना यस पूरा नहीं बोलेगा, इस तरह से बोलेगा, वो आधा अधूरा बोलेगा। ठीक है, तो असल में वो मसला ये है कि वो यस बोल बोल के थक चुके हैं, वो उस तरह से बोल नहीं सकते। आप चाहेंगे ना कि ये अच्छे प्रॉपर तरीके से बोले, वो नहीं बोल सकते। जैसे हमारे बहुत से बंदे जो पुराने वक्त के लोग हैं, उनसे सीन नहीं निकलता, कुछ लोगों से शीन नहीं निकलता। ठीक है, वो एक अजीब से तरीके से वो अल्फाज को आधा अधूरा बोलते हैं, तलफ्फुज़ वो सही करने की कोशिश भी नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि वो सही तलफ्फुज़ में बोल बोल के थक चुके हैं। अब उनका जो मसल है ना, जो मसल बन चुका है, वो जैसे निकलता है ना, वो उसको वैसे ही निकालता है, कंफर्ट की वजह से वो उसको उसी तरह निकालता, तो वो तलफ्फुज़ अपना सही करने की कोशिश नहीं करता। ठीक है जी, बहुत सारे वर्ड्स बोलने में मुश्किल होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, वो वर्ड ही रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड निकाल लेते हैं, वो बोलते हैं। ठीक है, तो आसान आसान वर्ड चुन के ना, हर किसी ने अपनी वोकैबुलरी बनाई। अगर आप मेरी बातों को रिकॉर्ड करें और उसकी वोकैबुलरी निकालें आप कि मैं कौन कौन से वर्ड यूज करता हूँ, तो वो किसी दूसरे बंदे की वोकैबुलरी से बिल्कुल अलग होगा। हो सकता है मेरी कन्वर्जेशन में 200-250 वर्ड हो सिर्फ, एक खास 200-250 वर्ड जिनको मैं इस्तेमाल करके अपनी कन्वर्जेशन करता हूँ। किसी दूसरे बंदे की कन्वर्जेशन जो है ना, वो हो सकता है इनमें से कोई भी वर्ड वो इस्तेमाल ना करता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ही अलग वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन बातें दोनों कर रहा हूँ। तो वॉइस के अंदर ना हमारे पास ये लिबर्टी है, क्योंकि यूआई तो नया नया आइटम है, स्क्रीन्स देखना शुरू किया है लोगों ने, 20-25 साल हुए लोगों को स्क्रीन्स देखते हुए। ठीक है, टीवी से पहले तो स्क्रीन नहीं होती थी, उससे पहले रेडियो आया था नया नया सन 1800 आई थिंक कुछ, तो उसके बहुत एक लंबे अरसे के बाद जो स्क्रीन्स मुतारफ कराई गई, स्क्रीन्स भी पहले लेकिन कैलकुलेटर वगैरह की शक्ल में स्क्रीन मौजूद थी शुरू में जब स्क्रीन्स आई थी। तो ये तो बहुत बाद में, और मेरे ख्याल है 70s या 80s में जाके जब टीवी वगैरह आना शुरू हुए मार्केट में, तो फिर स्क्रीन की तादाद बढ़नी शुरू हो गई। और यही वजह है कि स्क्रीन पे देखना भी इंसानों के लिए बहुत नया है, तो उसमें ना चेंज नहीं कर सकते, हर दफा अलग अलग देंगे ना, बंदा परेशान हो जाएगा, तंग हो जाएगा, यार ये क्या हो रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन बोलने में हर बंदा एक अपने अंदाज से बोलता है, और आप समझते हैं, आप एक कंडक्टर से बात करें वो अलग अंदाज में बात करेगा, सब्जी वाला अलग अंदाज में बात करेगा, आपके कोई मैकेनिक अलग अंदाज में बात करेगा, आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, हर का बात करने का रहेगा अपना अंदाज है। अच्छा, कुछ लोगों से बात करके आप फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, यार क्या बकवास बातें करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर किसी से बात करके अच्छा ही लगता है, फ्रस्ट्रेट भी होते हैं आप, कुछ लोग होते हैं यार क्या यार
कम से कम अल्फाज ही सही निकाल लो, ठीक है। कुछ लोग इस तरह के अल्फाज यूज करते हैं आपको पसंद नहीं आता। तो हमारे पास वॉइस एप्लीकेशन में ना, अगर हम एक ही तरह से बार बार उसको बोल के बताएं, वेदर पूछा बंदे ने, एक ही जुमला बोल दिया, तो उससे ना वो बंदा हो जाएगा तंग। सही है, ये नेचुरल बिहेवियर है बंदे का, क्योंकि वॉइस की एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, वॉइस को सुनने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो एक ही अंदाज में ना हर दफा सुनना पसंद नहीं करेगा यूजर आपका। उसको आपको ना थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हर दफा, थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हर दफा, ताकि वो कंफर्टेबल रहे। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक रिसर्च बता रहा हूं आपको मैं, जैसे खवातीन है, खवातीन को ना अगर बहुत कोई पायदार किस्म की चीज अगर हो ना, तो खवातीन पसंद नहीं आती उनको, वो लेती नहीं है। ये रिसर्च बता रहा हूं, सही है। अच्छा क्यों, वजह क्योंकि खवातीन ना बोर हो जाती है, थोड़े दिन यूज किया कोई चप्पल वप्पल है वो बोर हो जाती है उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद ना वो अगर वो टूटी नहीं ना अगर, तो उस चप्पल का कसूर है कि वो टूटी क्यों नहीं इतना दिन में, उसको टूट जाना चाहिए था अब तक। सही है, तो अब वो तो पहन लिया, अब वो पहन लिया, अब वो दोबारा नहीं पहनना है। अच्छा, लड़कों का थोड़ा सा सीन दूसरा है, क्योंकि लड़कों के पास करने के लिए इतना सारा कुछ होता है ऑलरेडी, कि उनको इस बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। वो चाहते हैं यार एक शूज लूं मैं, जिंदगी भर खराब ना हो, सही है ना, वो चलता रहे, वो रुके ही ना, एक जीन्स पहनूं मैं पूरे हफ्ते चलाऊं उसको, ठीक है ना। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता ये चीजें सोचने का। लेकिन खवातीन का केस कुछ और है, उनका क्या होता है कि भाई ये कपड़ा है ना, ये इतना ही चलेगा जितने में मैं इससे बोर ना हूं। अगर कोई बैग है, कोई हैंड बैग है, कोई कोई ऐसे कोई ऐसी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज है, तो उनको ऐसा मन होता है उनका कि ये बस थोड़े दिन ही चले, बहुत ज्यादा पायदार आइटम चाहिए भी नहीं उनको, ठीक है। तो यही वजह है कि आप जितने भी मार्केट में देखें, जो खवातीन की चप्पल, खवातीन के कपड़े होंगे ना, बड़े नाजुक नाजुक से ही होते हैं, वो थोड़े दिन यूज करने वाले होते हैं, तो वो बोर हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ खवातीन की बात नहीं है, ये तो मैंने आपको एक मिसाल दे दी, इंसान इन जनरल चीजों से ना बोर हो जाता है, जल्दी बोर हो जाता है। अच्छा, तो और खास तौर पे ऐसी चीज से जिससे वो पहले ही बोर है, ये बोलने चालने से ना, बातचीत करने से पहले ही बोर है बंदा। और भी आप मिसाल लें बहुत सारी चीजों की, जैसे हेयर स्टाइल है, एक ही हेयर स्टाइल अगर आप 4-5 साल तक रखें ना, तो आपको फील होगा कि आपको खुद भी बोरियत होगी, यार ये क्या एक ही है। अच्छा, एक तरफ से बाल भी होने शुरू हो जाएंगे, जो आप जिस तरफ झाड़ते हैं ना, उस तरफ से बाल भी थोड़े कम होने शुरू हो जाते हैं, अगर आप एक लंबे अरसे तक उसको चेंज ना करें। और फिर बोरियत भी होती है एक ही देख देख के, तो कोई रिफ्रेश चाहिए होती है, रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है लुक में, ठीक है। मर्दों के साथ ये 4-5 साल में होता है जाके, वो 4-5 साल तक एक ही स्टाइल करते हैं, फिर वो बोर होते हैं, उससे पहले नहीं होते। अच्छा, कुछ लोगों में जल्दी होता है, जो जिन जिनका जो प्रोफेशन है इन चीजों से रिलेटेड है, जो हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करते हैं फ्रीक्वेंटली। तो हमने क्या इस केस स्टडी से देखा कि इंसान ना एक ही चीज बार बार होने से ना बोर हो जाता है। अच्छा, लेकिन स्क्रीन पे ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि स्क्रीन पहले ही नहीं हुआ, स्क्रीन से बंदा वैसे ही बोर नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, लेकिन वॉइस बातचीत करना पहले से बोर हो चुका है, पहले से काफी एक्सपीरियंस है, रोज सुन रहा है बोल रहा है, रोज सुन रहा है बोल रहा है, अब उसमें उसको ना उस बोल चाल में कुछ नया चाहिए। ज्यादातर जो कॉमेडियन होते हैं, जो कॉमेडी करते हैं, वो इस चीज का बड़ा फायदा उठाते हैं, वो आपको ना वही बातें बताते हैं जो रोजमर्रा आपके साथ हो रही है, रोजमर्रा आपके साथ हो रही है, आप गौर कीजिएगा, वो सारा गेम ही है ये, कॉमेडी का सारा गेम इस वक्त में यही है। वो आपको ऐसी बातें बताते हैं कि वो जो आपके साथ रोजमर्रा हो रही होती है। अच्छा, लेकिन बताते हैं थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में, ऐसे अंदाज में बताते हैं कि आपको हंसी आती है। तो हंसी आने का रीजन ये नहीं है कि वो कोई बहुत फनी बात कर रहा है, हंसी आने का रीजन ये है कि आपको एक मुख्तलिफ बात सुनने को मिली। इंसान न्यूज, आपने अक्सर नोट किया होगा, जो बड़े उम्र में ज्यादा लोग होते हैं, हम जब छोटे छोटे थे ना, तो बहुत तंग होते थे कि यार ये अब्बू को न्यूज क्यों चाहिए होती है। तो न्यूज वर्ड अगर आप देखें तो उसमें क्या है, न्यू, न्यू में एस लगा हुआ है कि नया क्या है। जो न्यूज होती है ना, हम एज अ चाइल्ड हमें ये लगता था कि न्यूज में ना शायद ये मार धाड़, क्योंकि हमने देखा ही है ये न्यूज में, मार धाड़ के अलावा कुछ आता है न्यूज में, फला जगह बम फट गया, गाड़ी उलट गई, फला जगह जलजला आ गया, यही होता था न्यूज में, ठीक है, पेट्रोल ऊपर चला गया नीचे चला गया, तो हमें कोफ्त होती थी एज अ चाइल्ड जब न्यूज की बात सुनते थे, तो हमें कोफ्त होती थी। लेकिन अब जो न्यूज का जब आपको एक्चुअल मतलब पता चलता है कि व्हाट इज न्यूज, न्यूज का मतलब होता है नया कुछ, कि मार्केट में नया क्या चल रहा है, ठीक है। हम भी जब एक दूसरे से मिलते हैं दोस्तों से, तो हम क्या कहते हैं कि यार और बताओ क्या रिपोर्ट है, क्या चल रहा है मार्केट में,
ठीक है, या क्या हो रहा है जिंदगी में, क्या कर रहे हो, तो हम असल में कुछ नई चीज जानना चाह रहे हो कि यार हो क्या रहा है अभी, करंट अफेयर में क्या चल रहा है। तो न्यूज भी एक्चुअली क्या है कि जो आपकी एक रोजमर्रा की रूटीन है ना, उससे हट के आपको चाहिए होती है ताजा तरीन खबर। तो वो जब ही न्यूज, यही वजह है कि एक एंटरटेनमेंट है, जो जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो जाती है वो न्यूज में एंटरटेनमेंट मिलती है। अच्छा, तो हमारे पास ले देके न्यूज ही होती है थोड़े बड़ी उम्र के लोगों के लिए। तो ये बात बता रहा है कि यार वैरायटी के आप बात तो आपको सेम बोलनी है हर दफा, टेम्परेचर पूछा तो टेम्परेचर का जो जो डेटा है वो बताना है, लेकिन हर दफा आपके लिए जरूरी नहीं कि पैकेजिंग सेम हो आपकी। टेम्परेचर भी बताना है, हाई लो भी बताना है, लेकिन हर दफा अलग अलग अंदाज से बता सकते हैं। टेम्परेचर बताने के कई मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें ख्याल किस चीज का रखना है ये भी सुन लें। This is another area in which VUI differ from the GUI. ठीक है, ये सुने तो कोई मुश्किल सा वर्ड यूज किया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि डिफरेंट है। Whereas GUI should persistent, should present the same structure on each action. कह रहे GUI में हमें क्या चाहिए होता है, consistent चाहिए होता है, एक ही तरह से हो। VUI benefits from the variety. User find VUI without variety to be wearing and aggravating. ठीक है, मुश्किल सा कुछ वर्ड इसने यूज किया है, लेकिन इसका मतलब यही है कि अगर आपने एक ही तरह से बार बार बोला ना, वैरायटी नहीं दी उसको, तो वो मजा नहीं आएगा उसको, वो कहेगा यार ये क्या बकवास है, उसको लगेगा मैं किसी मशीन से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर ख्याल किस चीज का रखना है भाई आपको, ये रहा, बियॉन्ड एडिंग वैरायटी you will want to tailor your response to the context and mood. Go ahead, give Alexa some events for a skill that reporting baseball score. अच्छा, कह रहे हैं कि आपको ना थोड़ा सा अपने जवाब को मूड के हिसाब से टेलर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक दफा उसने पूछा तो टेम्परेचर बहुत हाई था, तो आप टेम्परेचर हाई है तो मतलब आप एक मूड का अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन क्या होगी, गर्मी में बंदे का मूड कैसा होगा, तो आप उस मूड के हिसाब से ना अपने रिस्पांस को टेलर भी कर सकते हैं। जैसे ये मिसाल दे रहे हैं कि भाई मैच जीत गया अगर तो अलग कहानी है, हार गया तो अलग कहानी है। अब एक बंदे की टीम थी, मैं जिस टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ टीम जीत गई है, तो मुझे रिपोर्ट करना है कि भाई टीम जीत गई है, तो वो एक अलग मूड है। अच्छा, और अगर हार गई है तो अलग मूड है। तो कह रहे हैं कि आप इस हिसाब से ना टेलर भी कर सकते हैं अपने जुमले को कि भाई टेम्परेचर हाई है तो थोड़ा एक उसके लिए अलग रिस्पॉन्सेज बना दें, ठीक है, थोड़े वार्म वाले, और अगर टेम्परेचर बहुत लो है तो उसके लिए अलग रिस्पॉन्सेज बना दें थोड़े लो वाले, ठीक है, मीडियम है तो उसके लिए अलग बना दें। अच्छा, तो ये तो हो गया। अच्छा, तो जितने भी आपके रिस्पॉन्सेज होंगे, लेकिन चाहे वो आप हाई मोड में बना रहे हो, लो मोड में बना रहे हो, किसी भी मोड में बना रहे हो, उसमें शुरू में जो चार मैक्सिम्स इसने बताए थे ना, उनका ख्याल सब में ही रखना है। वो क्या था कि शॉर्ट हो, क्वालिटी, क्वांटिटी और से द ट्रूथ एंड मैनर, ये चार चीजें जो हम पढ़ चुके हैं इसका सब में ख्याल रखना है। अच्छा, वैरायटी के अंदर यार एक चीज इसने ये भी बताई थी किसी जगह पे कि वो नहीं करनी, वो मुझे जुमला नहीं मिल रहा, वो कहाँ गुम हो गया, मिस्टेक, वो सेंटेंस। खैर वो नहीं मिल रहा। Beyond adding variety, ये तो वो वाला जुमला हो गया। VUI is different from the number of ways. Summary, चलो summary में शायद मिले। अच्छा, summary हर chapter की ना पढ़ना जरूरी होती है ताकि पूरा chapter हमारा एक ना revise हो जाता है उससे। A VUI is its own brand of conversational interface, distinct from chatbot and GUI, with a reliance on brief spoken information. कह रहा है कि भाई conversational जो VUI है वो उसकी अपनी एक ब्रांडिंग है, वो खुद एक ब्रांड है। उसको चैटबॉट से ना मिलाया जाए या कन्वर्सेशनल इंटरफेसेस से ना मिलाया जाए। चैटबॉट एक अलग है, VUI एक अलग है। अच्छा, अ VUI शुड बी लिबरल इन व्हाट एक्सेप्ट्स एंड अकाउंट फॉर द डिफरेंट मैनर इन व्हिच यूजर विल स्पीक टू अ स्किल फ्रॉम
फ्लूइड टू, इसने कहा कि जब इंटेंट आप बना रहे हो तो उसमें आप ये अज्यूम करेंगे कि यूजर कुछ भी कह सकता है, लिबरल होना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। और जब अलेक्सा सामने से आप कह रहे होंगे तो उसमें आपको कंजर्वेटिव होना पड़ेगा, जो ये पहले एक दफा बता चुका है, ये वही वाली चीज रिवाइज हो रही है कि उसमें कंजर्वेटिव होना पड़ेगा आपको, जो जवाब में सारे मैक्सिम्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, लेकिन यूजर जो बोल रहा है उसके लिए आपको हर वक्त तैयार रहना है। अगर यूजर कोई ऐसी बात बोल दे जिसका कोई जवाब ही नहीं है तो उसके लिए भी आपको फॉल बैक इंटेंट मौजूद है, ठीक है। आप जब ऐसा बिल्कुल अलग बोल देता है जो इंटेंट ही कोई नहीं है तो फॉल बैक में फिर भी तो उसका भी जवाब आपको स्टिल देना है। इंटरफेसेस रिलाइंग ऑन वॉइस मस्ट प्रोवाइड द मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द यूजर रिक्वेस्ट, ठीक है, राइट क्वांटिटी विद द एप्रोप्रिएट मैनर। ये कह रहा है भाई कि आपको क्या करना है, मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देनी है। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने पूछा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना तो उसको एक नाम बताना है, ये नहीं कि 10 बता दिए। गूगल पे तो क्या होता है, आप लिखते हैं 10 रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने पूछा व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ, तो उसको एग्जैक्ट एक फिगर देना है जो मोस्ट रेलिवेंट है, ठीक है। अच्छा, लेकिन कहीं पे अगर बिल्कुल हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, फिर 3 रिजल्ट तक हम दे सकते हैं वॉइस कीवर्ड पे, 3 रिजल्ट थे। अच्छा, तो उससे ज्यादा देंगे अगर हम 10, हमने लिस्ट बना दी, गूगल सर्च पूरा बना दिया, 10 रिजल्ट आ गए तो वो उससे लोग तंग हो जाते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 10 रिजल्ट आपका सुने, ठीक है। अच्छा, प्लेइंग द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विद अ यूजर टू योर न्यू एप्लीकेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसने कहा कि आप क्या बन जाए, कंप्यूटर बन जाए, खुद प्लेइंग द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आप कंप्यूटर बन जाए, सामने वाले को यूजर बना दें और बात करें दोनों आपस में, और वो बातें जो है ना वही आपकी वॉइस एप्लीकेशन, उस यानी प्लानिंग वाले फेज में इसने ये बात की थी जहां पे प्लानिंग का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, पीपल क्रेव वैरायटी इन देयर कन्वर्सेशंस इंक्लूडिंग द वॉइस एप्लीकेशन। यहाँ पे इसने बड़ा जबरदस्त वर्ड यूज किया, पीपल क्रेव, क्रेविंग उसको कहते हैं, जैसे क्रेविंग उसको कहते हैं किसी चीज की भूख लग रही होती है, जैसे भाई किसी बंदे को ना टिक्का खाने का बड़ा दिल कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि उसको टिक्के की क्रेविंग हो रही है, ठीक है। हाँ, पंजाबियों में भंग पीने की क्रेविंग होती है, क्या होता है, त्रोटक। अच्छा अच्छा अच्छा, क्रेविंग को त्रोटक कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो अब बहुत सारे लोग होते हैं तो क्रेविंग सिर्फ खाने की नहीं होती, क्रेविंग और भी चीजों की हो सकती है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को बाइक की क्रेविंग होती है, यार बड़े दिन हो गए कहीं भगाई बाइक नहीं भगाई, ठीक है, तो उसको उसकी क्रेविंग हो रही है। कुछ लोगों को कहीं सीवी वगैरह जाने की क्रेविंग होती है कि यार बड़े दिन हो गए गए नहीं, चलते हैं चलते हैं चलते हैं। कुछ होते हैं ग्रुप में ऐसे बंदे होते हैं, उनको हर वक्त पाकिस्तान टूर, हर वक्त पाकिस्तान टूर, ठीक है, उनको बोलो अभी चलना है वो अभी चलेंगे, ठीक है। हर तो उनको क्रेविंग होती रही थी पाकिस्तान टूर की। तो कह रहे हैं कि इन जनरल जो है पीपल क्रेव वैरायटी इन देयर कन्वर्सेशन, कि जब वैरायटी, जब कन्वर्सेशन हो रही हो, बात हो रही हो, तो उसमें वैरायटी उनको चाहिए होती है, एक ही तरह की बात बार बार नहीं सुनना चाहता होगी। अच्छा, इससे इसको आप एक तरह से और भी समझें कि एक मूवी अगर आप एक दफा देख चुके हैं ना तो आपसे दोबारा नहीं देखी जाती, आपको पता होता है पहले ही यार कि अब ये करने वाला है, ठीक है, पहले ही पता होता है, आप बोरियत होती है आपको, हालांकि वही मूवी है भाई जो 800 रुपए देके आपने पहले देखी है और वो दोबारा आप वही देख रहे हैं, लेकिन पहली दफा देखने की बात ही कुछ और होती है, सेकंड टाइम वो चीज आप नहीं देख सकते, ठीक है। अच्छा, कुछ देख भी लेते हैं, मैं जैसे 4-5 साल बाद मैंने कोई मूवी दोबारा देखी तो मैं देख भी लेता हूँ, क्योंकि भूल चुका होता है बंदा जब तक, तो वो चीजें रिवाइज तो होती है, लेकिन उसके बावजूद भी पता होता है आपको कि अब ये होने वाला है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप कोई स्पॉइल कर दे आपको, लोग भाई लड़ने पे उतर आते हैं, कोई अगर नई सीरीज आई है, कोई नई मूवी आई है और आप सामने से बंदे को बता दें अबे यार इसमें ना ये आखिर में मर जाए कहीं, ठीक है, तो लोग लड़ने पे आ जाते हैं यार ये क्या कर दिया तुमने। तो जब भी कभी ऐसे YouTube वगैरह पे कोई इस तरह की वीडियो होती है तो वो बता देते हैं पहले, स्पॉयलर अलर्ट, वो कहते हैं स्पॉयलर अलर्ट, अगर आप आगे देख रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पे देखें, आगे स्पॉयलर है, बाद में नहीं बोलना कमेंट में कि स्पॉइल कर दिया, ठीक है। तो लोग वहीं पे बंद कर देते हैं, जिसने पहले से देखी हुई है वो कंटिन्यू करता है, जिसने नहीं देखी वो वहीं पे बंद कर देते हैं। अच्छा, बड़ी फारिक था, इन्फिनिटी वॉर 40 था,
बैक टू बैक सिनेमा जाके। अच्छा सिनेमा जाके देखी, वो सिनेमा असल में किसी और चक्कर में जाता होगा। खैर उसका उसको बेहतर पता होगा कि वो क्यों जाता है। तो भाई कुल मिलाकर इसने ये बड़ा अच्छा जुमला यूज किया है यहाँ पे कि पीपल क्रेव वैरायटी, लोगों को भूख लगती है ऐसे कि यार नई नई बात हो गई। तो कॉमेडियन क्या करते हैं, नई नई बात करते हैं, वो बात वही होती है जो रोजमर्रा आपके साथ हो रही है लेकिन उसको नए नए अंदाज में बताते हैं। ठीक है, एक बड़ा मशहूर कॉमेडियन है फ्लफी करके बोलते हैं उसको, वो सेम यही करता है। वो हमारा जाकिर खान है, इंडिया इंडिया का है जाकिर खान, वो भी सेम यही काम करता है। और भी बहुत सारे आजकल स्टैंड अप कॉमेडी तो बड़ा सब लोग यही कर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी। तो एक वो है ना, हाँ कपिल शर्मा जो है वो भी यही करता है। वो क्या करता है, वो जब उसका शो स्टार्ट होता है, वो शुरू में जो 20 मिनट होते हैं 15 मिनट होते हैं जो स्टैंड अप करता है, वो यही करता है। वो आपको बताता है कि अच्छा पाजी फला जगह जो फैमिली जाती है रिश्ते के लिए तो वो ऐसे करती है, ठीक है, अच्छा अमीरों का बच्चा जो ऐसा होता है गरीबों का ऐसा होता है, वो देख रहे होते हैं आपको पता होता है ऐसा है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं कि जो आपको पहले से नहीं पता, बट वो एक ऐसे अंदाज में करता है कि आपको अच्छा लगता है। तो वो असल में जुमलों की वैरायटी है, बस डेटा तो नया नहीं दे रहा ना, वो डेटा तो वही पुराना है जो आपको पहले से पता है, डेटा वही पुराना है लेकिन वो ऐसे जुमले इस्तेमाल करता है कि आपको अच्छा लगता है। तो जुमले की ही वैरायटी का गेम है कॉमेडी भी सारा। कॉमेडी में जो उमर शरीफ जो एक थे, इंतकाल हो गया अभी उनका, उनके अगर आप शोज देखें तो वो आपको एक मिडिल क्लास फैमिली के घर घर में क्या हो रहा है वही बता रहा होता है, हमें पता है क्या हो रहा है लेकिन वो बताता है तो हंसी आती है, अच्छा भी लगता है, रिफ्रेश हो जाता है, एंटरटेन होता है बंदा। तो जुमले की वैरायटी का चक्कर है और कोई चक्कर नहीं। अच्छा भाई, यूजिंग एंटिटी रेजोल्यूशन एंड बिल्ट इन इंटेंट इन अलेक्सा स्किल, ठीक है जी। अब एक इंटेंट तो हमने बना लिया, अब आगे एंटिटी रेजोल्यूशन एंड बिल्ट इन इंटेंट की बात हो रही है। अच्छा बिल्ट इन इंटेंट हम देख चुके हैं, चार पांच हैं, लेकिन उस पर अभी तक हमने रिस्पॉन्ड करवा के नहीं देखा। इस चैप्टर में हम वो बिल्ट इन इंटेंट आ रहे हैं ना उस पर रिस्पॉन्ड करवा के देखेंगे और एक एक को समझेंगे कि वो एक एक इंटेंट काम क्या करते हैं सब में। तो जनाब ये क्या कह रहे हैं कि दिस चैप्टर कवर्स व्हाट, यूजिंग अलेक्सा स्किल किट CLI, ठीक है, एक CLI टूल है, एक तो हमने देखा था लाइब्रेरी है, एक CLI टूल भी है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे फायरबेस इनिट करते हैं उस तरह आप CLI में इसको लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जरा हम CLI का भी एक ओवरव्यू लेते हैं कि कितने फायदेमंद है CLI को इस्तेमाल करना, ठीक है जी। अच्छा, हैंडलिंग सिनोनिम्स एंड एरर्स विद एंटिटी रेजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा एंटिटी अभी तक हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, राइट, हमने एंटिटी अभी तक डिटेल में नहीं पढ़ा, हमने जस्ट बिल्ट इन जो स्लॉट्स थे हमारे, ये स्लॉट्स की बात कर रहे हैं सब में, हमने जो अभी तक इस्तेमाल किया वो बिल्ट इन स्लॉट्स इस्तेमाल किए। क्या हुआ, खुद ही निकल गया, दोबारा ज्वाइन कर लो। होस्ट रिमूव्ड, मैंने एक म्याओ को रिमूव किया था और एक, अच्छा सारे रिमूव हो गए, अबे यार ये क्या सीन हो गया। अच्छा काम करता हूं ना, एक काम करता हूं, इसमें ऑप्शन होता है कहीं को दोबारा से रिज्वाइन करवाने का, मीटिंग इन्फो, यार ये बड़ा मसला है, एक को मैंने रिमूव किया सारे रिमूव हो गए, हाँ तुम्हारा भी रिमूव हो गया। Remove participants, annotate screen. Reactions, pause recordings.
स्टिल मेरे पास 29 लोग आ तो रहे हैं, बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। बस मुझे ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा कि जिसके जरिए मैं कहीं होना तो चाहिए ऑप्शन में नहीं आ रहा। छोड़ो यार, पड़ोस वाले की स्क्रीन में देख लो, सही है। बुक ओपन कर लो, बुक ही खोली हुई मैंने, और तो कुछ थोड़ी किया। बुक ओपन कर लो, सही है जी। अच्छा ये चैप्टर जो है देख लेते हैं जरा कितने पेज का है। पेज नंबर 49 से स्टार्ट है ये और 65 तक है। 49 से 65 कितने पेज हुए, कितने पेज है। अच्छा जी, हैंडलिंग सिनोनिम्स एंड एरर्स विद एंटिटी रेजोल्यूशन, हैंडलिंग बिल्ट इन इंटेंट्स एंड द लॉन्च रिक्वेस्ट। ठीक है जी, लॉन्च रिक्वेस्ट वैसे तो हम पढ़ चुके हैं लेकिन ये उसको एक्सप्लेन करेगा मजीद। इनवोकिंग अ स्किल लोकली, ठीक है, लोकली का मतलब है कि बगैर एलेक्सा पे जाए अपने पास लोकल मशीन पे। बिफोर वी गो ऑन टू मेक मोर कॉम्प्लेक्स स्किल, लेट्स रिविजिट हाउ वी क्रिएटेड आवर फर्स्ट स्किल। ठीक है, कि पहली स्किल सबसे हमने कैसे बनाई। वी वॉन्ट टू we went to the Amazon developer console and went to AWS console in short and we did a lot of work in the browser. कह रहे भाई ब्राउजर में बहुत सारा काम करना पड़ा हमें। Developer generally prefer to avoid going into the browser for configuration unless necessary. कह रहे कि developers को ना ये चीज पसंद नहीं होती कि बार बार ब्राउजर पे जाके ना और ड्रैग ड्रॉप और क्लिक से काम करना पड़े। डेवलपर्स को माउस पसंद नहीं होता, ठीक है, माउस से जो चीज में माउस इन्वॉल्व है डेवलपर को पसंद नहीं होता। तो क्या करते हैं भाई, थैंकफुली द एलेक्सा स्किल किट हैव कमांड लाइन इंटरफेस, CLI इंटरफेस। आपने जैसा देखा होगा नॉर्ड जेएस के अंदर ज्यादातर काम CLI से होता है, ठीक है, NPM पूरा CLI भी चलता है। तो ये CLI जो है ना ये डेवलपर्स को बड़ा पसंद आता है। क्यों, उसका रीजन ये है कि ये जितने भी लोग इस वक्त मौजूद है ना मार्केट में, जो क्या उसको कहेंगे सीनियर जो लोग हैं मार्केट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में, वो 80s और 90s के लोग हैं। ठीक है, मैं 90s का हूँ, 90s में पैदा हुआ हूँ। तो मैंने तो खैर होश संभाला तो CLI नहीं देखा था मैंने, GUI देखा। लेकिन जो लोग 90s से डेवलपर हैं, जो लोग 90s से डेवलपमेंट की फील्ड में 30-40 साल जिनको हो चुका है, तो उन्होंने जो डेवलपमेंट देखी है ना वो CLI पे देखी। ये GUI तो आहिस्ता आहिस्ता 2004-05 तक GUI आहिस्ता आहिस्ता राइज हुआ, वरना ज्यादातर लोग जो कंप्यूटर 90s में भी ज्यादातर कंप्यूटर CLI पे लोग चला रहे थे। बहुत कम लोग थे जो विंडोज नहीं थी, क्योंकि विंडोज बिल्कुल उस पर शिफ्ट हुए, बहुत कम लोग थे। फिर 80s में जो थे वो तो था ही सारा CLI, उस वक्त तो कोई GUI। इवन आपके स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, उसको आप इमेजिन करें, वो CLI पे चलता था, कमांड लाइन पे चलता था, और पूरा कमांड लाइन पे वो प्रिंट होती थी, टेबल बकायदा टेबल पूरी प्रिंट होती थी। अच्छा, फिर इसी तरह से लिनक्स के अंदर बहुत सारे जो टेक्स्ट एडिटर्स हैं,
जैसे हमारे पास वीएस कोड है ना टेक्स्ट एडिटर है, तो लिनक्स के अंदर नैनो है जैसे टेक्स्ट एडिटर है, वो आज भी सीएलआई पे चलता है। आप उसको ओपन करेंगे ना सीएलआई खुल जाती है, कमांड लाइन इंटरफेस उस पर चलता है वो सारा, ठीक है। नैनो के अलावा भी एक है कोई, क्या नाम है, जी एडिट इस तरह कुछ नाम है पता नहीं, तो वो उनको बड़ा पसंद होता है सीएलआई, क्योंकि वो उस जमाने से सीएलआई में उनका हाथ सेट है, तो उनको माउस में ना उनको लगता है कि टाइम जाया हो रहा है। अच्छा मुझे भी लगता है ये भाई, माउस से जब मुझे ज्यादा ऑपरेशंस करने पड़े ना मुझे लगता है टाइम जाया हो रहा है, क्योंकि माउस को मूव करना पड़ता है, मुझे प्रिसिशन से ध्यान भी देना पड़ता है। बट कीबोर्ड में ना मेरा हाथ सेट होता है, मसल मेमोरी होती है कि मैं बगैर देखे भी समटाइम मुझे इतना प्रिसाइसली उसको देखना नहीं पड़ता। जो कीबोर्ड में एरो का बटन है, एरो का बटन कभी देख के प्रेस करते हो, एरो अप डाउन लेफ्ट राइट एंटर एस्केप, एस्केप कभी भी देख के प्रेस नहीं करता, मुझे पता है एस्केप कहां पर है, मैं वहां जाके प्रेस हो जाता है। तो ऐसे प्रिसाइजली उसको देखना नहीं पड़ता, तो ऐसा लगता है कि टाइम बच रहा है, ठीक है। और है भी कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई भी है, कहीं ना कहीं टाइम एक्स्ट्रा लग रहा होता है। अच्छा, विदाउट हेडिंग थ्रू डेवलपर कंसोल विच परमिट्स मोर एफिशिएंट डेवलपमेंट साइकिल, ठीक है जी। तो ये सीएलआई टूल इन्होंने दे दिया बना के, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, मोर एफिशिएंटली डेवलपमेंट कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल इम्प्रूव ऑन द स्लीप ट्रैकर स्किल वी क्रिएटेड इन चैप्टर नंबर 2 बाय बेटर हैंडलिंग सिनोनियम्स एंड यूजिंग बिल्ट इन इंटेंट्स व्हाइल इंटीग्रेटिंग द सीएलआई। यार आज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, दिल नहीं कर रहा मेरा पढ़ाने। अच्छा, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन भाई, अलेक्सा स्किल किट सीएलआई, कि ये सीएलआई है क्या चीज। द अलेक्सा स्किल किट या एएसके सीएलआई इज अ कमांड लाइन टूल दैट प्रोवाइड एन इजी वे टू मैनेज अलेक्सा स्किल। जो भी काम आप जाके करते हैं ना कंसोल के ऊपर, वो सारे काम कहां से हो जाएंगे, अब सीएलआई से हो जाएंगे। अल्टीमेटली इट प्रोवाइड्स अ रैपर फॉर अलेक्सा स्किल मैनेजमेंट API, SMAPI, which itself can be used to develop skill building and testing automation tools. ठीक है, कह रहे हैं कि भाई आप जो इंटेंट बनाते हैं ना कॉन्सोल पे जाके, आप जो इंटेंट बनाते हैं कॉन्सोल पे जाके, Amazon ने क्या किया हुआ है, उसकी REST API एक्सपोर्ट की हुई है। Amazon ने उसकी क्या की हुई है, REST API एक्सपोज की। तो आप अगर अपना भी यूआई बनाना चाहें, ठीक है, आप चाह रहे नहीं मेरे मतलब का यूआई हो, इंटेंट वगैरह जहां बनता है वो मेरे मतलब को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूआई बना के पीछे उसके एपीआई कॉल करते रहे आप, इंटेंट क्रिएट करने का, इंटेंट डिलीट करने का, इंटेंट को एडिट करने का, इन सब का REST API बना के उन्होंने पहले से रखा हुआ। तो ये जो कमांड लाइन टूल है ये क्या करता है, उन्हीं REST API को इस्तेमाल करते हुए आप बोलेंगे इंटेंट बना दो, बना देगा, बन जाएगा पीछे जाके, आप कहेंगे डिलीट कर दो, डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की एपीआई करता है इस्तेमाल। यू कैन सी दिस रिलेशनशिप इन फिगर 4.1। अच्छा, डेवलपर कैन यूज एसके सीएलआई टू क्रिएट डिप्लॉय मैनेज स्किल विदाउट हैविंग टू गो टू द ब्राउजर। डेवलपर्स कैन इवन सबमिट देयर स्किल टू द अलेक्सा स्किल स्टोर यूजिंग द सीएलआई। ये 4.1 हेडिंग पे मौजूद होगा। अच्छा जी, फिगर नंबर 4.1 जरा देखें हम है कहां पर। ये है फिगर नंबर 4.1, इसी के थोड़ा सा नीचे, जिसमें एक तरफ एएसके सीएलआई बनी हुई है और एक तरफ जो है वो सर में प्रोजेक्टर्स भी नहीं चल रहे ना, और मैं यहां पे भी दिख रहा होता है। यार जरा एक बंदा ना पीछे से रजा को आवाज मार दो, प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, ताकि प्रोजेक्टर तो चल जाए कम से कम, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं कर्सर से बता रहा हूं। हाँ, मीटिंग टैब के अंदर क्या, यार प्रोजेक्टर चला ही नहीं है।
चल गया अच्छा भाई, तो ये इन्होंने डायग्राम बनाकर दिखाई भी है जिसमें क्या है, ASK CLI है और वो क्या कर रहा है, ASK CLI will locally initialize, organize, test and deploy क्या स्किल, अच्छा ASK CLI work locally for some functions and conjunction with SM API for others, ठीक है, क्या बोल रहा है, आ गया। अच्छा तो इनिशियलाइज और ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करेगा, लोकली करेगा ये। अच्छा इनिशियलाइज का चक्कर क्या है, एक जेसन है वही इनिशियलाइज होती है, मतलब आपकी जो पूरी स्किल होती है वो हम देख चुके हैं पहले ही कि जेसन एडिटर में जाके जब हम देखते हैं तो जितने भी इंटेंट हमने बनाए हैं वो क्या होते हैं, वो असल में एक जेसन फाइल होती है जस्ट, और कुछ भी नहीं होता। तो वो इनिशियलाइज करते वक्त तो वो जेसन की फाइल बनाएगा सिंपली, और ऑर्गेनाइज मतलब नए इंटेंट बनाने हैं या रिमूव करने हैं, वो असल में क्या जेसन में ऐड होगा, जेसन से रिमूव हो रहा होगा। अच्छा फिर टेस्ट एंड डिप्लॉय, अब वो बन तो गई है स्किल लेकिन उसको डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय का मतलब है कि एलेक्सा पे उसको टेस्टिंग डिवाइस पे लाना है, डिप्लॉय का मतलब यही है। तो वो एसएम एपीआई के जरिए क्रिएट डिलीट जो भी होगा वो हो रहा होगा। अच्छा और टेस्टिंग, मिसाल के तौर पर मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ, वही सीएलआई पे खड़ा होकर टेस्ट करना चाह रहा हूँ, पहले मैं कंसोल पे करता था ब्राउजर में जाके, तो उसके लिए भी एसएम एपीआई को इस्तेमाल करके उसको टेस्ट किया जाएगा। अच्छा भाई here is the partial list, think about all work you did in the browser, कह रहे हैं कि यहाँ पे वो list है जो जो आप काम कर चुके हैं browser पे जाकर। number one क्या है, specify the skill name, ये आप CLI से करेंगे। go to another page and provide invocation name, invocation name भी आप इसमें दे सकते हैं। new intent create कर सकते हैं, provide sample utterances, create new custom slot type, ठीक है, हम एक कस्टम स्लॉट टाइप एक दफा बना के देख चुके हैं, मजीद उसको डिटेल में यहाँ पे भी पढ़ लेंगे, ठीक है जी। प्रोवाइड वैल्यूज फॉर द न्यू टाइप, न्यू स्लॉट टाइप, ठीक है, हम अपने खुद की भी स्लॉट टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी की वैल्यूज के साथ, जैसे कि पिज्जा, पिज्जा में लार्ज, मीडियम और स्मॉल, तो हम वो अपनी मर्जी की टाइप बना सकते हैं अपनी मर्जी की वैल्यूज के साथ, वो भी हम सीएलआई से काम कर सकते हैं, हमने अभी तक किया नहीं है, दोनों से नहीं किया, कर सकते हैं। अच्छा सेट द स्लॉट इनसाइड एन अट्रेंस एंड द न्यू कस्टम स्लॉट टाइप, कह रहे हैं कि वो बन तो गया स्लॉट, अब उसको अट्रेंस में डालना भी है, वो भी काम यहां से कर सकते हैं। अच्छा एड द कोड, कोडिंग जो करते थे हम कंसोल पे ही करते थे वो भी हम यहाँ पे लोकली कर सकते हैं, ठीक है। सेव एंड बिल्ड द स्किल, एक सेव का बटन था वो अलग था, बिल्ड का बटन था वो अलग था, वो दोनों काम भी यहां से कर सकते हैं लोकली। अच्छा जी I don't mean to ridiculate the Alexa team for this process. For developers starting out or through those uncomfortable with the terminal, this works well. It's why we started there instead of going directly ASK CLI. कह रहे हैं कि भाई ASK CLI जो बनी हुई है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्राउजर में सामान सारे डले हुए हैं, जो काम हुआ हुआ है वो कोई बेवकूफी की बात नहीं है,
बहुत सारे लोग हो सकता है कि टर्मिनल से कंफर्टेबल ना हो तो वो उसी को इस्तेमाल करेंगे जाहिर है। अच्छा, और बहुत सारे लोग हो सकता है कि बिल्कुल बिगनर्स हो, जो जिनके लिए टर्मिनल पे आना शुरू में पॉसिबल नहीं है, तो वो ब्राउजर से करेंगे। तो कह रहे यही वजह है कि शुरू में मैंने टर्मिनल की बात नहीं की, टर्मिनल की बात ही अब कर रहा है चौथे चैप्टर में आगे, ठीक है। However, Alexa Skill CLI and the organization it offers shorten the process into the following. कह रहे हैं कि उसमें तो अलग अलग होते थे ना सारे काम, इसमें थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है इसको, दो दो तीन तीन काम एक साथ हो जाते हैं इसमें। कह रहे हैं स्पेसिफाई द स्किल नेम इनसाइड द स्किल मैनिफेस्ट। स्किल मैनिफेस्ट करके ना एक चीज है उसमें, स्किल का नाम ठीक है उसमें आप लिख दिया आपने जाके। अच्छा, स्पेसिफाइंग द इनवोकेशन नेम इंटेंट सैंपल एड्रेस एड्रेसेस स्लॉट टाइप्स एंड स्लॉट टाइप, ये सारी चीजें जो है वो एक फाइल में हो रही होती है, अलग अलग पेज पे आपको जाने की जरूरत नहीं होती, एक ही फाइल में ये सारा काम हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज डिप्लॉय द कोड यूजिंग द सिंगल लाइन ऑफ टर्मिनल। बस एक आपने शुरू में बिल्कुल नाम बता दिया, सेकंड पे आपने वो सारी चीजें बताई, एड्रेस इंटेंट स्लॉट स्लॉट टाइप सब बताया, और तीसरे नंबर पे आपने उसको क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। ये तीन स्टेप में हो रहा होता है काम अगर आप टर्मिनल वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं तो। अच्छा भाई, द SMAPI पावर्स द ASK CLI इन कंजक्शन विद द स्किल मैनिफेस्ट। दिस इज अ JSON ऑब्जेक्ट दैट कंटेन ऑल द स्किल कॉन्फिगरेशन। अच्छा, कह रहे हैं ये सिंपल क्या करता है, ASK CLI एक जेसन बनाता है, जेसन एडिटर हम देख चुके हैं पहले कि जेसन किस तरह का होता है, वो एक जेसन बनाता है और SMAPI के जरिए ना उस जेसन को डायरेक्ट कहां भेजता है, सीधा Amazon के क्लाउड में बस। और Amazon क्या करता है, उस जेसन को समझता है और उससे पूरी स्किल बना देता है। हम ये काम पहले करके देख चुके हैं, डाउनलोड स्किल किया था मैंने, वो सब डाउनलोड हो गया था, याद है वो सब डाउनलोड हो गया था, फिर मैंने एक नई स्किल क्रिएट की और उसको मैंने क्या किया, इम्पोर्ट किया, तो वो पूरा जेसन जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया वो स्किल पूरी बन के आ गई। तो असल में ये ASK CLI ना सिर्फ वो जेसन ही बना रहा होगा, वो एक्चुअल कुछ काम, वो जेसन को क्या करता है SMAPI के जरिए भेज देता है क्लाउड में, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक काम कर रहा है SMAPI। अच्छा, इनफैक्ट यू कैन डू मोर थ्रू द स्किल मैनिफेस्ट देन यू कैन थ्रू द Amazon डेवलपर कंसोल। कह रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट में जब काम करते हैं ना तो आप, असल बात यह कि कुछ चीजें ज्यादा भी कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आप एक पॉइंट पे वहां जाएंगे ना, वो कहेगा यार ये आप अभी नहीं दे सकते, ये पब्लिश के बाद देंगे, ट्रेनिंग कुछ फ्रेजेस करके होता है, इनवोकेशन नेम के फॉरन साथ ही होता है, वो कहेगा यार अभी नहीं कर सकते, आप पब्लिश होगा जब कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सर्टन फीचर्स सच एज लिसनिंग फॉर इवेंट ट्रिगर्ड ऑन स्किल इनेबलमेंट और डिसेबलमेंट आर कंस्ट्रक्टेड ओनली इन दिस फाइल by the skill manifest, even if you don't use these new features, you gain the efficiency that comes with the composing a skill in a single local location. कह रहा है कि एक तो ये फायदा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जो कंसोल पे हर वक्त अलाउ नहीं की जाती, यहाँ पे आपको वो कुछ भी लिख के भेजो वो ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी बात ये कि आप अगर ये सारी चीजें नहीं भी कर पा रहे तो आपकी स्किल एटलीस्ट क्या होती है, आपके कंप्यूटर में होती है, मतलब गिटहब में भी भेज सकते हैं आप उसको, आपके कंप्यूटर में होती है मतलब यही है ना कि गिटहब में भी पुश कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। ऑन अदर एंड कंसोल पे अगर कुछ बना रहे हैं आप तो आपको डाउनलोड करके फिर उसको पुश करना पड़ता है। इमेजिन करें आप अगर दिन में आप सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं, स्किल पे काम कर रहे हैं, एक फीचर जैसे ही कंप्लीट किया आपको गिटहब में पुश करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले डाउनलोड करेंगे, अनजिप करेंगे, फोल्डर में डालेंगे, फिर पुश करेंगे उसको, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप कोड लिख रहे होंगे हाथ से, जहां पे आपने देखा फंक्शनैलिटी कंप्लीट वहीं पे आपने कमिट किया, पुश कर दिया, कोड आपका सेव हो गया। डिप्लॉय भले करें ना करें लेकिन कमिट पुश आप बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लॉय पुश आप चाहे मतलब दो तीन फंक्शनैलिटी कंप्लीट करने के बाद फिर आप डिप्लॉय पुश कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हम अब क्या करते हैं इस पॉइंट पे आके कि हम ये ना इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल करने की कमांड नीचे इसने लिखी भी है, क्या है भाई, npm install ASK CLI @1.3.0। अच्छा, ये @ करके इसने 1.3.0 पता है क्यों लिखा है, ताकि एग्जैक्टली ये वर्जन इंस्टॉल हो, एग्जैक्टली क्या हो, ये वर्जन इंस्टॉल हो।
अच्छा, इसने ऐसा क्यों किया? इसने ऐसा इस वजह से किया है कि बाद में अगर जाहिर है बुक तो लिखी जा चुकी है, बाद में अगर वर्जन अपडेट हो जाता है 1.4 हो जाता है, तो इस बुक का कोड इनवैलिड ना हो, 1.3 ही चले लाइब्रेरी। ठीक है, वैसे हम अभी देख लेते हैं कि ASK CLI का अभी जो वर्जन है वो 1.3 ही है या कुछ चेंज हो चुका है। NPM पे मैंने लिखा ASK CLI। ठीक है, ASK डैश CLI अभी ये हो चुका है 2.24। ठीक है, ASK डैश CLI है ना, 2.24 हो चुका है ये, पब्लिश्ड 4 मंथ्स अगो। अच्छा, तो मतलब क्या है कि आपके पास जो लाइब्रेरी का बुक में जो डिस्कस हो रहा है वो थोड़ा पुराना वर्जन डिस्कस हो रहा है। हो सकता है कुछ फीचर्स जो नए वाले आए हैं वो आपको ना पता चले। ठीक है, बट बुक वाला पढ़ लेते हैं पहले एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट के तौर पे, फिर हम उसके बाद अगर कोई नया फीचर आपकी नजर से गुजरे या मेरी नजर से गुजरा तो वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, इसने पूरा यहाँ पे करके भी बताया है कि किस किस तरह से होगा ये ASK डायलॉग और सब चीजें। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, इस कोड को कॉपी किया और मैंने आके टर्मिनल ओपन किया और टर्मिनल ओपन करके मैंने इसको चला दिया। अच्छा, क्या कह रहा है ये, कंप्लीट लॉक ई इनवैलिडेट जी नेम, ये मेरा ख्याल है डैश जो था ना इसका वो कुछ दूसरा डैश लगा हुआ था। हाँ, CMD पे चल जाएगा। अच्छा, मैंने कॉपी किया ना वहां से, तो माइनस जी के साथ जो माइनस लगा हुआ था वो कुछ इनवैलिड कैरेक्टर था, तो मैंने उसको रिमूव करके माइनस जी हाथ से लिखा तो वो चल गया। ओहो, सूडो नहीं लगाया मैंने, सूडो इसमें लगाना जरूरी होता है वरना क्या होता है। हाँ, मैक और लिनक्स दोनों में जब कोई फाइल पे उसको रीड या राइट करना होता है ना तो सूडो लगाना पड़ता है, अदरवाइज उसको रीड राइट का परमिशन नहीं मिल रहा होता। तो जाहिर है ये डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करेगा तो राइट करेगा, तो सूडो इसलिए उसको लगाना जरूरी है। ठीक है जनाब, ये हो गया, इंस्टॉल हो गया, खत्म बात। ठीक है जी, यहां पे इसने ये बात भी लिखी है कि दिस बुक वाज रिटन यूजिंग द वर्जन 1.3.0 ऑफ ASK CLI। द कमांड यू विल नीड टू यूज फॉर ASK CLI एंड देयर आउटपुट माइट बी डिफरेंट If you use a later version, ठीक है, कह रहा है आप later, latest version use करेंगे तो उसमें command हो सकता है मुख्तलिफ हो, लेकिन हम अभी 1.3.0 ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन्होंने कोई major change किया नहीं है। ठीक है, वो JSON 2.0 ही था उस वक्त भी और अभी भी 2.0 ही है, जो JSON version है उसका जो input और output है वो 2.0 ही है अभी। तो Alexa के दो ही version आए हैं आज तक जिंदगी में, एक Alexa का V1 है, Alexa का V2 है। तो V2 जो है वो इस बुक के लिखे जाने से पहले वो आ चुका था, हम जो भी कोड पढ़ रहे हैं वो V2 का कोड पढ़ रहे हैं। ठीक है जनाब, अच्छा अब इसने क्या बात की है कि भाई इंस्टॉलेशन तो हो गई है, अच्छा यहाँ पे इसने एक बार और भी किया कि अगर आप विंडोज पे इसको यूज करने जा रहे हैं तो विंडोज बिल्ड टूल करके ना आपको एक चीज है वो उसको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ओपन कर लेते हैं ऐसे करके, हम विंडोज बिल्ड टूल जरा देख लेते हैं क्या चीज है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि विंडोज बिल्ड टूल भी आपको एक दफा इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप विंडोज पे ASK CLI को चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, लिनक्स पे और मैक पे इसको करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये इंस्टॉल कर लीजिएगा ये वाली जो जो भी चीज बता रहा है।
Next, you will need to create AWS IAM profile in order to be able to push code directly to AWS Lambda. ठीक है जी, AWS Lambda पे अगर आप इसका कोड पुश करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे एक IAM प्रोफाइल भी बनानी पड़ेगी. IAM प्रोफाइल क्या होता है, गूगल क्लाउड में या Amazon के क्लाउड में जब आप एक अकाउंट बना लेते हैं और आपको मुख्तलिफ डेवलपर्स को एक्सेस देना होता है तो आप IAM करके ना उन सबकी ईमेल डालते चले जाते हैं और फिर आप बताते हैं कि फला को ये एक्सेस दे दो, फला को ये दे दो. तो इसी तरह ना आप एक यूजर क्रिएट करेंगे वहां पे, IAM प्रोफाइल क्रिएट करेंगे जिसको आप क्या एक्सेस देंगे कि भाई ये पुश कर सकता है कोड, तो उसके जरिए फिर ये पुश होगा. दीज क्रेडेंशियल्स आर सेपरेट फ्रॉम व्हाट यू यूज टू लॉग इन AWS. कह रहे हैं कि वो जो आप IAM यूजर क्रिएट करेंगे उसके जो क्रेडेंशियल होंगे ना वो मुख्तलिफ होंगे आपके यूजर नेम पासवर्ड से. एक तो आप लॉग इन करते हैं ना, ईमेल पासवर्ड लिखा लॉग इन हो गया, लेकिन ईमेल पासवर्ड किससे मुख्तलिफ होगा, वो एक दूसरा टोकन होगा काइंड ऑफ, जैसे गिटहब में आजकल टोकन कर दिया है ना उन्होंने, उस तरह से एक टोकन बनेगा आपका, वो चलेगा. एंड दे बटरस सिक्योरिटी बाय अलाउइंग फॉर क्विक reinvocation in the case of lost computer or any other case. कह रहा है कि भाई उसमें benefit आपको एक और ये भी है कि आप उसको क्या कर सकते हैं, one click पे उसको delete कर सकते हैं या revoke कर सकते हैं. ठीक है, एक token बना उसको आपने revoke कर दिया कि भाई अब ये token इस्तेमाल ना हो सके, तो वो one click पे आप काम कर सकते हैं, ये भी एक benefit है उसका. Okay, once you have got the AWS profile set up and ASK CLI installed, you are good to go. You are ready to initialize the CLI. ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, ASK init का command चलाने की कोशिश करते हैं. The command will ask you to choose an AWS profile for deploying the skill fulfillment on Lambda. You probably have only one, in which case choose, choice is simple. ठीक है जी, करते हैं हम init करते हैं. अच्छा, मैं कहाँ चला जाता हूँ, क्लास सेक्शन ए. ठीक है, बी में मैं कोई चीज पुश नहीं कर रहा, ए में पुश कर रहा हूँ. अरे भाई क्या हो गया, खुल रहा कि नहीं, बस दो मिनट रुक जाओ, एक इनिट करके फिर निकल लेता. मैंने कोड स्पेस डॉट कर दिया ताकि विजुअल स्टूडियो कोड आ जाए मेरे पास. ठीक है, ये मैं विजुअल स्टूडियो कोड में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं 04.ask-cli. ठीक है, और यहां पे आके मैं क्या करता हूँ, 04 के अंदर चला जाता हूँ और 04 के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैंने कहा कि ASK init enter. ठीक है, अच्छा, इसने मुझसे क्या पूछा कि there is no AWS credential file found in AWS directory. ठीक है जी, ये करता क्या है असल में, आपके होम फोल्डर में, ठीक है, होम फोल्डर में, या फिर अगर आप विंडोज पर हैं तो आपके यूजर्स के फोल्डर में जहां पे ऐप डेटा आ रहा होता है, ठीक है, जहां पे ऐप डेटा का एक फोल्डर आ रहा होता है, अक्सर आप इंस्टॉलेशन के टाइम आपको बोलता होगा कि ये जाएं, आप कहां जाएं, यूजर में जाएं, लोकल में जाएं और फिर ऐप डेटा में जाएं, तो वो ऐप डेटा वाली जो लेवल है ना उस लेवल पे क्या करता है, ये .aws करके एक फोल्डर बनाता है. .aws करके क्या बनाता है, एक फोल्डर बनाता है, उसमें ये आपसे कहता है कि credentials के नाम से एक फाइल बनाए बगैर किसी एक्सटेंशन के, कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, जस्ट credential नाम होता है, और उसके अंदर आप क्या पेस्ट करें, अपने credentials पेस्ट कर दो उसमें. तो ये मुझसे कह रहा है कि भाई वो credential ना अभी आपके पास मौजूद नहीं है.
ठीक है, हाथ से भी रख सकता हूँ लेकिन कह रहा है मौजूद नहीं है, तो मुझसे कह रहा है कि यस सेटअप AWS क्रेडेंशियल, ठीक है, या नो यूज AWS एनवायरमेंट वेरिएबल। सेकंड ऑप्शन क्या है कि मैं वही क्रेडेंशियल एनवायरमेंट वेरिएबल में भी सेव करवा सकता हूँ, क्रेडेंशियल के नाम से एनवायरमेंट वेरिएबल में सेव करा दूं, वहां से भी उठा सकता है। तीसरा ऑप्शन है नो स्किप AWS क्रेडेंशियल एसोसिएशन स्टेप, कह रहे हैं कि भाई आपको क्रेडेंशियल रखने ही नहीं है, आप क्रेडेंशियल रखने ही चाह रहे, सिर्फ बिल्ड करके मे भी आप हाथ से जाके डिप्लॉय करें, आप ये भी तो कर सकते हैं ना, कॉपी करें जैसा हाथ से जाके पेस्ट कर दे वहां, चलिए वो भी सही है तरीका। तो तीनों ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, बुक में देखते हैं क्या बताना चाह रहा है। अच्छा ठीक है जी, इफ यू हैव रन द ASK init कमांड बिफोर, द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी वेदर यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल और ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वन। कह रहे हैं कि अगर आपके पास पहले से आप चला चुके होंगे ना, मैं तो पहली बार चला रहा हूँ, अगर आप पहले से चला चुके होंगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई नया बनाना है या पुराने वाले को ओवरराइट करना है, क्या करना है। इफ यू आर ओनली डेवलपिंग अ स्किल योरसेल्फ यू कैन ओवरराइट द प्रोफाइल, मल्टीपल प्रोफाइल आर यूजफुल फॉर डेवलपर हु बिल्ड स्किल्स फॉर मल्टीपल अकाउंट्स सच एज दोज बिल्डिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल, दोज आर इन एजेंसी विद मल्टीपल क्लाइंट्स। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई आप ना एक से ज्यादा भी रख सकते हैं। मैं क्या करता था आमतौर पे कि उसी .aws के फोल्डर में ना मैंने 4-5 फाइलें रखी हुई होती थी और जो क्लाइंट होता था उसका नाम रख देता था। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो भी क्लाइंट है उसके नाम से मैं बना देता था फाइल, उस फाइल को तो रीड वैसे भी नहीं करेगा वो। अच्छा, क्रेडेंशियल के नाम से एक फाइल होती थी। अब मिसाल के तौर पर मुझे फलां क्लाइंट का काम करना है तो मैंने क्या किया, फलां क्लाइंट की फाइल खोली, कॉपी किया और उठा के क्रेडेंशियल में पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कर रहा होता, जिसका काम कर रहा था उसका क्रेडेंशियल में डालता था, बाकी नीचे पड़े हुए थे। तो ये भी उसी तरह की बात कर रहा है, कह रहा है भाई अगर आप एक ही कर रहे हो तो तब तो मसला नहीं है, एक ही में पड़ा रहेगा, अगर एक से ज्यादा कर रहे हो आप तो भी वो भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी मसला नहीं है। अच्छा, क्रिएटिंग एलेक्सा स्किल प्रोजेक्ट। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये वाला काम हम न्यू और उसके बाद स्किल नेम करके, स्किल नेम इसने दिया हुआ है, तो ये हम अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करते हैं 4.1 से, और हमारा टारगेट जैसा कहता है कि एक चैप्टर को हम दो क्लासेस देंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि कल हम ये क्लास, ये वाला जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट कर लें, और साथ साथ हम ये CLI में जितनी डिस्कवर करने वाली चीजें हैं वो भी हम डिस्कवर कर लें। अच्छा, उसके बाद जो सबसे लास्ट में हमारे रह जाएगा ना वो क्या रह जाएगा, मेकिंग अ कन्वर्सेशन। पहले तो उस चैप्टर में हम देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम, एंटिटी रेजोल्यूशन में फुलफिलमेंट, बिल्ड इन इंटेंट्स, लॉन्च रिक्वेस्ट, इनवोकिंग द स्किल लोकली, कि अपने कंप्यूटर में कैसे लोकली इसको काम कर सकते हैं। फिर पांचवा चैप्टर रह जाएगा हमारा आखिरी चैप्टर जो अलेक्सा वाला चैप्टर है, उसमें क्या है, क्रिएटिंग अ कन्वर्सेशन, स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स होते हैं ना, उसी तरह इसमें वेरिएबल्स बनते हैं, या परसिस्टेंट स्टेट भी कह सकते हैं उसको, कि भाई बातचीत के दौरान बीच में कोई बात सेव रखनी है, कोई बात याद रखनी है, मल्टीपल कन्वर्सेशन तक कोई बात याद रखनी है, तो वो स्टेट मैनेजमेंट कैसे होगा। प्री स्टेट हैंडलर, ठीक है, ये हम बात पढ़ेंगे कि एक तो स्टेट है ना, एक स्टेट से पहले की चीज है कि पहले से ही आपको पता हो, यानी प्रोएक्टिव जिसको कहते हैं, वो काम कैसे करना है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कहेंगे हम हैंडलिंग द अनहैंडल्ड, कि ऐसी रिक्वेस्ट जिसका कोई जवाब नहीं है उसको हम कैसे हैंडल करें। ठीक है, और मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन, ये करके हम पांचवा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, डायलॉग फ्लो पे मूव करेंगे। ये पांचवा चैप्टर दो दो बार क्यों आ रहा है इसमें, नहीं 5.5 दो दफा है, अच्छा 5.3 है, वो शायद हेडिंग में कोई मिस्टेक कर रहा है वो जस्ट, और कोई वो नहीं है यार, आ तो गया लेकिन हम वो पढ़ेंगे नहीं, वो हम नहीं पढ़ पाएंगे, उसका रीजन ये है कि वो बहुत मसले हैं उसके अंदर। हम वो चीज पढ़ेंगे यहाँ पर जो आपके पास अगर कल क्लाइंट आ जाए ना तो आप उसको उस पर बना के दे सकें चीज, वो CX जो है ना वो यार बहुत कॉस्टली है, काम सारे वही है उसके अंदर लेकिन कॉस्टली इतना ज्यादा है, तो एक ही फैक्टर है सिर्फ उसका कॉस्ट, जिसकी वजह से अभी तक मैंने खुद पर्सनली उसको अडॉप्ट नहीं किया। प्राइसिंग हम देख चुके हैं एक दफा यहाँ पर, जो अलेक्सा नॉर्मल, सॉरी अलेक्सा कह रहा हूँ, जो डायलॉग फ्लो V2 है अभी जो करेंटली चल रहा है वो V2 है, और जो CX है वो V3 है। V2 के अंदर 1000 रिक्वेस्ट मिलती है फ्री, 1000
पर डे वॉइस वाली रिक्वेस्ट बोलने वाली, उसमें कोई फ्री नहीं है और उसमें पैसे भी अच्छे खास हैं। इसमें 1000 क्रॉस होने के बाद जो है वो कुछ 15 सेंट है कोई पर मिलियन इस तरह कुछ, बहुत ही चीप है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, उसमें तो गूगल स्पीच एपीआई वाले पैसे चार्ज कर रहे हैं। वो गूगल स्पीच एपीआई का मतलब है कि 15 सेकंड के 6 रुपए पाकिस्तानी इस तरह करके चार्ज कर रहे हो। तो खैर प्राइसिंग एक वाहिद फैक्टर है जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि हम डायलॉग फ्लो का V2 पढ़ेंगे। V2 पढ़ने का बेनिफिट सबसे पहला तो ये प्राइसिंग उसकी कम है तो क्लाइंट आराम से पटता है उसके अंदर। बना के दिए मैंने एंटरप्राइज लेवल पे, चल रहे हैं चैटबॉट्स उसके अंदर, प्रॉब्लम नहीं हो रही कोई। नंबर दो बात कि वो स्टेबल है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रही। जो चेंजेस V2 में आनी थी ना वो आके खत्म हो गई। एक टाइम था उसमें बहुत रैपिड चेंजेस, लेकिन अब वो बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। जो है वो है खत्म। जो अगर कोई मिस्टेक है ना उसमें, कोई बग है तो वो बग भी फिक्स हो चुका है, वो बग अब चेंज नहीं होता। V3 ऑन अदर एंड अभी बिल्ड हो रहा है, उसमें रोज रोज नई नई चीजें आ रही है। तो जब V2 आ जाएगा तो V3 भी आ जाएगा, उसमें कोई इतना बहुत मेजर फर्क भी नहीं है। थोड़ा सा उन्होंने एडिशनल चीज की है, थोड़ा सा चार्ट्स वार्ट्स ऐड कर दिया। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं और आपसे मुलाकात रहेगी अगली क्लास में।